Good morning, students. This is your second video. In my last video, I have introduced you to chapter. Now we will solve the exercise first day, which I have given you in homework. Let's start the video. Question number one, evaluate. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें सिंबल दे रखे हैं मीन्स प्लस माइनस जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे इवेल्यूएट करेंगे. फर्स्ट का पार्ट वन देखेंगे. यहाँ पे लिखा है 15 प्लस ब्रैकेट माइनस 8. ये हम देखेंगे 15 और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस सिंबल का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस में रिजल्ट आता है. अब जब 15 प्लस का है, 8 माइनस का है और एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस का हो, तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. 15 में से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो 7 आंसर आएगा, क्योंकि 15 जो था वो बड़ा नंबर था और ये प्लस का था, इसीलिए आंसर जो हमारा वो प्लस में आएगा. प्लस को लिखना फ्रंट पे लिखना ज़रूरी नहीं होता. दिस इज़ योर आंसर. इसका लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे. इसके लास्ट क्वेश्चन यानी सिक्स क्वेश्चन में क्या रखा है, माइनस 48 प्लस ब्रैकेट माइनस 36. तो हम यहाँ पे माइनस 48 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और ये प्लस माइनस यानी कि माइनस, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. 8 और 6 14, कैरी 1 437 और कैरी 8 माइनस 84. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड द सम. सम मींस एडिशन. यहाँ पे हमें इनका एडिशन निकालना है. तो देखिए इसका भी फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. हमें किस किस का सम निकालना है, 153, और क्योंकि सम बोल रखा है तो एंड की जगह पे हम इसे प्लस कर देंगे और ब्रैकेट में माइनस 302, क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं आ सकते, इसके लिए हमें इसका ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा. 153 प्लस माइनस माइनस होते हैं 302. अब यहाँ 302 में से 153 को सब्ट्रैक्ट कर दें. सेकेंड क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिफ्थ कर लेते हैं. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है माइनस 1000 एंड 438. यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि सम बोल रखा है तो माइनस 1000 प्लस 438. अब हमें मालूम है ये हमारा माइनस नंबर है और ये हमारा प्लस नंबर है. प्लस माइनस हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 1000 में से हम 438 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इस तरह से जो हमारा आंसर है माइनस 562 आंसर है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. ये कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ. हमें जो नंबर दे रखे हैं उनके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं. तो हमने जब चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था तब बताया था एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको हम अगर ऐड कर दें, किसी भी इंटीजर में ऐड कर दें, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा. तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये. इसको देखेंगे तो माइनस 83 लिखा है, तो हमें पता है अगर हम इसी 83 को प्लस में प्लस कर दें तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो. तो जो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा हमारा 83. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटीजर आपको दे रखा है अगर वो पॉजिटिव में दे रखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव में होगा, और अगर नेगेटिव में दे रखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव में होगा. इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर में देखेंगे ये कहता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें ये नंबर अब सब्ट्रैक्शन करने हैं. तो पार्ट वन देखेंगे. ये कह रहा है 28 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस 42. तो हमें जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर दे रखा होता है हमें उसी में से सब्ट्रैक्ट करना होता है. दैट मीन्स हमें ये नंबर फ्रंट पे लेना पड़ेगा माइनस 42, और क्योंकि इन्होंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रखा है तो हम क्या करेंगे, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और उसके बाद 28. अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 42 ऑलरेडी है और ये 28 भी किसका बन जाएगा, माइनस का. और उसके बाद हमें मालूम है माइनस माइनस के अगर दो नंबर लिखे होते हैं तो वो हमारे प्लस हो जाते हैं और जो आंसर रहता है वो हमारा माइनस में आता है. तो देखिए 8 और 2 10, कैरी 1 ये 7 माइनस 70. फिफ्थ क्वेश्चन इसका देखेंगे. 318 फ्रॉम 0. तो ज़ीरो में से हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो करना है 318. तो यहाँ पे हम देखते हैं ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती और जो 318 है वो हमारा माइनस का हो जाता है. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 1032 एंड 878 फ्रॉम माइनस 34. यानी कि हमें क्या करना है,
हमको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 34 में से इन दोनों के सम को, तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो पहले हम सम निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए सम निकालेंगे, तो सम जो होगा हमारा माइनस 1032 प्लस 878। इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो हम देखते हैं यहाँ पे एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है। जब एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का होता है तो वहाँ पे सम नहीं होता, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमें मालूम है 1032 बड़ा है और 878 छोटा है, तो यहाँ से इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से बोरो लेंगे 12 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ पे 2 रह जाता है, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हमें यहाँ से भी बोरो नहीं मिलेगा। ये बोरो यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ 9 रहता है तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ये हमारा माइनस 134 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इन्होंने कहा था हमें माइनस 34 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 34 में से क्या माइनस करना है हमें, माइनस 154। तो देखिए माइनस 34 माइनस माइनस प्लस बन जाता है 154। अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस सेम कंडीशन, तो हमें यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखिए 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और ये 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 120। आज के लिए 5 क्वेश्चन इनफ है। इसके आगे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है, और जो बचते हुए क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करें। आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।